फिरोजाबाद के बेखौफ बदमाशों ने एक बार फिर पुलिस की नाक के नीचे वारदात को अंजाम देकर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाली निशान लगा दिया है। अज्ञात बदमाशों ने पुलिस थाने से मात्र 100 मीटर की दूरी पर एक मोबाइल शोरूम की दीवार काटकर लाखों के मोबाइल व लैपटॉप पर हाथ साफ कर 9:11 हो गए। बदमाशों की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद से अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुट गई है। अपराधी मत ये हम नहीं कह रहे, फिरोजाबाद जिले में भर्ती वारदातों से जनता कह रही है। इस बार तो बदमाशों के हौसले ने पुलिस को दाद दे दी। पुलिस थाने से मात्र 100 मीटर की दूरी पर बेखौफ बदमाशों ने लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला और पुलिस रात भर गश्त करती रह गई। बदमाश चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देकर साफ निकल गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना है फिरोजाबाद जिले के थाना लाइन पार की, जहां पुलिस थाने से 100 मीटर की दूरी पर मोबाइल फोन के शोरूम की दीवार काटकर लाखों के मोबाइल फोन लैपटॉप और एलईडी टीवी चोरी की वारदात को अंजाम देकर लोगों को भयभीत कर दिया है। पुलिस पर अपराधी मत ये हम नहीं कह रहे, फिरोजाबाद जिले में अनु जी क्या हो गया दुकान में? चोरी हुई है यहाँ पर और करीब करीब 400 से ऊपर है और 3 लैपटॉप है। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? वैसे अंदाजा तो नहीं है, अब लगाएंगे तो पता लगेगा। थाने पुलिस को अवगत कराया आपने? पुलिस को बता दिया है और तहरीर अभी दे दे। ये कहाँ से आए होंगे, क्या लोग थे, क्या लगभग मालूम है कितने बजे करीब? पीछे किसी को देखा है कि 2 या 3 लोग थे वो? 2 या 3 लोग थे। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी और डग स्क्वाड की मदद से अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुट गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुलिस रात में गश्त करती रही और पुलिस थाने की नाक के नीचे से बदमाश बड़ी वारदात को अंजाम देकर निकलकर कैसे चले गए? क्या यही है योगी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था? बाहरी यूपी पुलिस क्या पूरा मामला? लाइन पार क्षेत्र में एक मोबाइल की दुकान में चोरी हुई है और सीसीटीवी में चोर कैद हो गया है और इसको शीघ्र ही हम वर्कआउट कर लेंगे। लगभग कितनी चोरी, कितना? अभी लिख करके इन्होंने दिया नहीं है, लेकिन जो भी होगा वो मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी।